हेलो, आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के हमारे अंदर। आज के दिन हम करने जा रहे हैं रिव्यू डेड स्पेस का। अभी इसको आए हुए सिर्फ 23 ही मिनट हुए, ओ मिनट कह रहा हूँ, सॉरी 23 घंटे हुए हैं सिर्फ। हालांकि मैंने एक बार इसे देख लिया था थोड़ा सा, लेकिन मैं सोचा इसका एक हमें फिर रिव्यू भी देना चाहिए, क्योंकि मैंने डेड स्पेस खेल रखा है और अब इसका रीमेक आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डेड स्पेस 2023 का। तो इसके अंदर क्या क्या मतलब चेंजेस करे गए हैं या फिर नहीं करे गए, बस इसके वो कर दिए गए हैं ग्राफिक्स को अपग्रेड, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं फिर इसके अंदर क्या क्या है। अब इसके अंदर इन्होंने लग रहा है वॉइस भी जैसे कि अब डाल दिया है। आइज़क क्लार्क, अब जैसे कि इसके अंदर देख पा रहे हो, इसके अंदर वॉइस है। जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम में याद है जब मैंने डेड स्पेस खेलते थे, हालांकि बहुत समय हो गया, उसके अंदर कोई भी वॉइस नहीं थी इस तरह की। उसके अंदर हमें सीधा ही बस बता दिया गया था कि क्या मतलब करना है, बस वो स्टोरी दिखाई थी जहाँ तक मुझे याद है, छोटी सी बस स्टोरी, नहीं मतलब कि वो कि मिशन क्या है हमारा, और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब इन्होंने बता रहे हैं, What have you got, Isaac? Ishimura's in the red. अब यहाँ पे दो Engines बंदे and all और of हैं the tramps. Can you इसके handle अंदर, alone? हमें ये और पता चल रहा There's a है। centrifuge. Get the fuel running. और मेरे ख्याल से इस करेक्टर की भी आवाज है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे करे हैं, ये अच्छी बात है। 23 के हिसाब से भी चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल जैसा होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ लगी। एकदम पूरा रियलिस्टिक वाला एकदम फील आ रहा है। This is Senior Medical Officer Nicole Brun. इन्होंने ये जगह भी काफ़ी अच्छी कर दी है वैसे, यहाँ पे जहाँ हम अपने अपग्रेड्स वगैरह करा करते थे। और आगे देखते हैं, Medical is overwhelmed. We need help. ये जगह कभी नहीं बदलती। ये सीन भी हो चुका है, ये सबको याद ही होगा, इस तरह से वो अचानक से ऊपर आ जाता है। ये वही सीन दिखाया है इसको अच्छे से। क्या इसकी शूटिंग देखते हैं कैसी है। आज शूटिंग, इन्होंने शूटिंग में तो वैसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने वो चीज़ चेंज करी है कि जब ये इसके पीछे पड़ जाता था तो ये उन्हें आ रही, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जिसे पेड़ वेड़ वगैरह काटते हैं वो चीज़, ये मतलब इस्तेमाल करा करता था। इस बार ये मुक्के का क्यों इस्तेमाल करा है, एक बार और दिखाता हूँ, ये देखना, ये एकदम पीछे से आया पर अब ये उससे मुक्के से मार के पीछे कर रहा है। ये स्लो वाला मुझे याद नहीं, जो पावर से अभी इसने बंद कर दिया था, ये पावर मेरे ख्याल से पिछली बार में नहीं था, ये अभी ऐड करा है इन्होंने। स्पेस देख रहे हो कितना घने बहुत कर रखा है। पहले तो वो बस चलने वाला और वो थोड़ा सा उसको चेंज करा था, इस बार इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छी वो करा है, एकदम डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छा वर्क है यहाँ पे भी। ये पावर मुझे याद है, फ्लेम थ्रोवर, थोड़ा सा अपग्रेडेबल तो है, थोड़ा सा अपग्रेडेबल और थोड़ी सी इन्होंने और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करी है, कहना तो पड़ेगा इसके अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ये फाइनल बॉस है, जब मुझे याद है ये फाइनल बॉस है ये। एक मिनट, ये इस तरह तो उसने खींच के कभी नहीं लेके गया था हमें, तो ये फाइनल बॉस नहीं है क्या? तो फाइनल बॉस ऐसे ही तो था, तुच्चू मुच्चू मोटा गेंडा जैसा, पता नहीं एक ही जगह पे रहता है शायद, ना या तो गलत हूँ। इसके अंदर एक अच्छे से एक और नया जोड़ा गया है रीमेक के अंदर। ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये जो रेड रेड सी आ रही है कहाँ गया ये, आ जाओ इधर,
हाँ ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है जो डेड स्पेस में उस समय थी। है ये कुछ और ही नई चीज़ है। ये नई चीज़ है, ये बिल्कुल भी नहीं थी उसके अंदर। ये नई चीज़ है और उसमें कोई नया बंदा है शायद। सर Isaac, it's me. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Nicole? इस बार इस बंदे को भी आवाज़ दी गई है। ये बंदा भी बात कर सक एक मिनट। ये बंदा लड़का तो नहीं था, लेकिन ये तो लड़की थी जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि उस समय मैंने धोखा खाया था। मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं धोखा खाया था, पर वॉइस भी नहीं थी तो मुझे अब याद नहीं है इतना। इस बार ये लड़का है। डेड स्पेस 2 में तो लड़का है, मैंने देखा है, मुझको याद है, पर डेड स्पेस का याद नहीं है। बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ह्यूमैनिटी एंड्स हियर, डेड स्पेस। तो पता चल गया होगा, जनवरी 27 को आएगी 2023 की है। तो सभी लोग मज़े करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। प्री ऑर्डर मतलब पेड होगी क्या ये गेम? फ्री में नहीं देने वाले क्या? ये तो गलत है। डेड स्पेस फ्री में तो उसका रीमेक पेड है। ये सही है। इसे बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, और ये मोटिव है ये, और एक है फ्रोस्ट, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा, इतना धुंधला हो रहा है इसके अंदर। खैर ओवरऑल अगर हम गेम की बात करो जाए तो गेम बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है। और हालांकि मुझे भी एक बार खेलना है दोबारा से डेड स्पेस, लेकिन इसका रीमेक खेलना है, पर ऑब्वियसली खेल नहीं पाऊँगा, दिक्कत यही है। इस 2023 में बहुत अच्छी गेम आई है। अभी भी कुछ एक गेम निकली थी, मुझे याद नहीं, अब मैं भूल गया उस गेम के बारे में, शायद रेजिडेंट ईविल 4 जो रीमेक। चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे कभी और इस बारे में। खैर आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी और। बाय।